एक ठो वीडियो बनेली बहल। हालांकि आधा मन से बनावल वीडियो हल पर, लेकिन बना देली। खूब सारा लोग के जो है ओकरा में प्यार भी मिल रही या गाली भी बहुत सारा लोग दिल थी तो, लेकिन देख ल थी तो हो सका है कि बहुत सारा लोग जो है हमर कहल बात से जो है सहमत ना होतन। अब जरूरी भी ना है, हमर वो निजी विचार हल। खैर, गाली देवे वाला के तो अब नज़रअंदाज करी थी। शुरुआत में दो चार गो के जवाब देली, लेकिन अब नज़रअंदाज करी थी। और चूंकि हम कल के वीडियो में भी बतेली वहल कि एक क्रिएटर के साथ जो है उसका सोच होता है कि जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यू जाएगा उसी टॉपिक पे वो वीडियो बनाना चाहेगा। तो यही कारण है कि आज ये दूसरा वीडियो बना रहा हूँ भोजपुरी पे ही। क्या होगा इस वीडियो में ये हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम राकेश है और आप प्रयास न्यूज के इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे भोजपुरी में भरे अश्लीलता के बारे में, उसे कैसे दूर किया जा सकता है इसके बारे में। हालांकि आपको सुन के लग रहा होगा कि क्या बक रहा है, ये बहुत पुराना हो गया लाइन कि भोजपुरी में अश्लीलता को कैसे दूर करना है। लाइन पुराना हो गया, लेकिन तरीका हमारा अलग होगा। लोग उस गाने को गा के दिखा के उसका और प्रचार प्रसार करके भोजपुरी से अश्लीलता को दूर करते हैं, लेकिन हमारा सोच है कि भोजपुरी में अश्लीलता को दूर करने के लिए सबसे पहला कदम ये होना चाहिए कि अपने आस पड़ोस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बज रहे भोजपुरी के अश्लील गानों को रोका जाए और तुरंत रोका जाए। इस मुहिम को हमने आज से ही शुरू कर दिया है। आप भी इस मुहिम से जुड़िए और अपने आसपास या फिर आप कहीं जा रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, वहाँ पे अगर भोजपुरी का कोई अश्लील गाना बज रहा है तो उसको तुरंत रुकवाएं। कहीं किसी शादी में गए हैं वहाँ पे भोजपुरी का अश्लील गाना बज रहा है, उसे तुरंत रुकवाएं। अगर आप वास्तविक में भोजपुरी से अश्लीलता को दूर करना चाहते हैं तो अब आते हैं कुछ लोग जो है, कुछ पेज चलाने वाले लोग या फिर और भी जो भोजपुरी में अश्लीलता को दूर करने के लिए मुहिम चला रहे हैं, उनकी मैं सराहना करता हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों की मैं घोर निंदा करता हूँ। अब हम राजनाथ सिंह तो हैं नहीं, मेरी निंदा करने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये मेरा निजी विचार है। मुझे नहीं लगता है कि सिंगर के माँ बाप को गाली देके, सिंगर के बहन को गाली देके भोजपुरी से अश्लीलता को दूर किया जा सकता। उनके लिए सबसे बड़ा जो आपका हथियार होगा वो ये कि उनको दर्शक ही ना दिया जाए उस गाने को सुनने के लिए। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि भोजपुरी किसी भी क्रिएटर के, माफ कीजिएगा, किसी भी क्रिएटर के साथ में मजबूरी होता है, वो वैसे ही टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहता है, वैसे ही टॉपिक पे गाना गाना चाहता है जो लोग देख रहे हों। तो अगर भोजपुरी गानों को लोग नहीं देखेंगे, अश्लील गानों को, तो उस पे वीडियो सिंगर बनाएगा ही नहीं, राइटर उनका जो है वो लिखेगा ही नहीं। देखिए, इस वीडियो में हम किसी भी पेज वाले या किसी भी भाई लोगों का जो है आलोचना नहीं करना चाहते हैं, वो अपने जगह पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर संभव है तो आप लोग अपने शब्दों पर थोड़ा ख्याल रखिए, किसी को गाली देने से पहले या उन्हीं गानों को जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसका 10 सेकेंड या 20 सेकेंड का क्लिप दिखाने से बचें। ऐसे में जो लोग उन गानों को नहीं भी जानते हैं उन तक आप उस गानों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हो सकता है इस बात से भी बहुत सारे लोग असहमत होंगे, लेकिन भैया मेरा राय है, हम कहेंगे ही। आते हैं फिर से कैसे दूर किया जाए भोजपुरी की अश्लीलता को। तो लोग क्या कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। एक भैया ने यह भी राय दिया कि सेंसर बोर्ड का भी गठन किया जाए। अच्छी बात है, सेंसर का गठन किया जा सकता है, लेकिन हिंदी फिल्म में भी सेंसर का गठन किया गया है, तो क्या वेब सीरीज के द्वारा गलत सीन नहीं आ रहा है लोगों के बीच में? आ रहा है। इसलिए मानसिकता को ठीक करना होगा, और ये एक या दो दिनों की बात नहीं है, एक या दो दिन में ये ठीक नहीं होने वाला है, इसको धीरे धीरे ठीक करना होगा। आप कहीं शादी में गए हुए हैं, कहीं पे ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, वहां पे आप जिस जाति का शादी हो रहा है उसी जाति का गाना वहां बजेगा, उसी जाति के नाम वाला जो है गाना वहां बजेगा, इसको जब तक दूर नहीं कीजिएगा तब तक कैसे होगा? सिंगर वही सोच के गाना बनाता है कि मेरा यहाँ पे गाना बजे। देखिए, उसका रोजी रोटी जो है ना इसी से चलता है। अगर वो गाना बंद कर दे तो कहाँ से खेत में मजदूरी करेगा वो?
चलिए अब आते हैं कि हमारे द्वारा जो अभियान चलाया जाएगा उसमें हम क्या करेंगे। हम दरअसल इसको जो है अलग तरीके से लेके चलेंगे। हम हर सिंगर का अश्लील गाना की जगह अच्छा गाना को दिखाएंगे यहाँ, और आप लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लोग इस गाने को सुनिए और शेयर करिए, ताकि सिंगर मजबूर हो जाए इसी तरह के गाना को बनाने के लिए। यकीन मानिए, हर सिंगर का, बुरा से बुरा सिंगर का बहुत अच्छा अच्छा सॉन्ग है यूट्यूब पे, लेकिन लोग उसको नहीं देखते हैं। इसीलिए सिंगर या राइटर उस तरह का गाना न लिखने के बजाय अश्लील गानों को लिखता है, क्योंकि अश्लील गाना को लोग ज़्यादा देखते हैं और जल्दी वायरल होता है। तो इस पूरे मुहिम में, जिस क्षेत्र में हम हैं, इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ट्रोल होने वाले एक सिंगर हैं जिनका नाम गुंजन सिंह है। आज उन्हीं से शुरुआत करेंगे और उनका 5 गाना ऐसा आपको बताएंगे जो बहुत ही अच्छा है और जिसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिसको लोगों को देखना चाहिए, जिन गानों को। शुरुआत करते हैं पहले गाना से। उनका एक गाना जो है इस कोरोना बीमारी को लेके गाना आया जो बहुत अच्छा, मतलब गाना है कोरोना लेता जनवा। ये गाना को आप सुनिए, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया गाना है, आप भावुक हो जाइएगा सुनते सुनते। लेकिन आप तो कहीं और आपका ध्यान रहेगा, प्रचार प्रसार के द्वारा आपके पास कोई और ही गाना आ रहा है। चलिए दूसरा गाना के पास चलते हैं। दूसरा गाना जो है उनका पापा के पगड़ी झुका देहलू, बहुत ही बढ़िया गाना है। इस गाने को भी आप सुनिए और बताइए कि इसमें अश्लीलता कहाँ है। तीसरा गाना की ओर चलते हैं, घुमादा मेला राजगीर के, एक ऐसा सॉन्ग जो बिहार के टूरिज्म को भी बढ़ावा दे रहा है। और यही नहीं, उनका अगला भी गाना जो मैं बता रहा हूँ काकोलत से संबंधित है। काकोलत घुमेबो या इसी तरह से कुछ उनका बोल है उस गाने का, उसको भी आप सुनिए। गुंजन सिंह का जो है सैड सॉन्ग बहुत सारा इंटरनेट पे है, लेकिन उसको लोग नहीं देखते हैं। देखते कौन है? आ तो चुम्मा लेबो होठवा पे। तो गुंजन सिंह या उनके राइटर जो है ऐसा ही सॉन्ग पे ना दिमाग लगाएंगे? तब पहला पार्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, तब ना यही गाना का पार्ट 2 लिख के जो है उनके द्वारा गाया जा रहा है। तो इस बात को समझिए, और जितना भी मैंने गाना बताया उसको सुनिए और उसको शेयर करिए। हम फिर मिलेंगे किसी और सिंगर के कुछ अच्छे गानों को लेके आएंगे और आपको दिखाएंगे कि भोजपुरी में इस तरह का गाना है, भोजपुरी के इन गानों को प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है उनका, और लोगों को बताने की ज़रूरत है कि अश्लील गानों को छोड़ के इन गानों को पढ़िए। अगले वीडियो में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे, जो अभी सीजन चल रहा है इसमें सबसे ज़्यादा हिट होने वाला सॉन्ग जिसमें अश्लीलता का प्रयोग नहीं किया गया है, हेलो कौन जैसा ऐसा गाना जो पूरे दुनिया में तुरंत आने के बाद छा गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा यही तरीका है भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने के लिए। आपको ये तरीका कैसा लगा आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। बाकी चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।